धार जिले के कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने जिले के सभी एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण जान माल की नुकसानी की रिपोर्टिंग कर आरबीसी के तहत तत्काल राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सिलसिले में आज एसडीएम सत्यनारायण दर्रे ने नालचा ब्लॉक क्षेत्र के नरसिंह माल कुराड़िया भड़किया सेवरी गोलपुरा में भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि आज पटवारियों और ग्राम पंचायत सचिवों की टीम बनाकर क्षेत्र में नुकसानी का सर्वे किया जा रहा है और कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश अनुसार प्रकरण बनाकर नियमानुसार आरबीसी के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। इस दौरान धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा, अध्यक्ष जनपद पंचायत नालछा लाल सिंह डावर, नायब तहसीलदार मनीष जैन और ग्रामीण जैन मौजूद थे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। में कई गांवों में मकानों की बहुत तूफान में स्थिति खराब हो गई, पूरे ध्वस्त हो गए, किसानों के पास अनाज भी खराब हो गया, तो इसमें सर आप क्या सेवा करेंगे इन किसान वगैरह की और लोगों की, जनता की? आज हम गाड़िया है, यहाँ हम लोग माननीय विधायक महोदय के साथ प्रारंभिक आकलन किया है। अभी पटवारी हमारा ही संबंधित एक एक जो क्षति हुई है उसको आकलन करेंगे और आरबीसी 6-4 के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार हम उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। सर ये मुआवजा कितने दिनों में इनको मिल जाएगा, क्या इसकी कुछ सीमा? नहीं, ये तो तत्काल देने की व्यवस्था है हमारी, जैसे ही ये प्रकरण बन के तैयार होकर आएंगे। और चूँकि इसमें जो इनके क्षति हुई उनका खाता होना अनिवार्य है, बैंक खाता, क्योंकि उसको बैंक खाता होगी तो हम तत्काल डाल पाएंगे, अगर बैंक खाता नहीं है तो उसको बैंक खाता खोलने के उपरांत ही हम उनको आर्थिक सहायता दे पाएंगे। आंधी तूफान बहुत आया, 70 भी मैं सब उड़ गई और दीवार भी धस गई, अनाज भी खाने का सब भींगी गया, सुविधा वगैरह सब भींगी गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। कहीं पे हमको सरकार कहीं व्यवस्था हमारी थोड़ी घड़ी करे। कई नाम तुम्हारा? सौरम। सब आज प्रशासन की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब को मैंने लगा, जैसे आंधी तूफान जब कल कहर के रूप में आया, इन 5-7-8 गांवों में इतना आंधी तूफान तेज था कि चारों तरफ आंधी तूफान के बाद में पानी वहां से जो मकान गिरे उसके माध्यम से कई मकान इतने पूरी 100% ध्वस्त हो गए और कई आधे सारे मकानों को इन गांवों का दौरा मैंने माननीय कलेक्टर साहब को बोल के एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ में किया है और जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा बनाने के लिए एसडीएम साहब ने पटवारी आरए और जो भी प्रशासनिक अमला है उनको बोला है कि कम से कम जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार करके पेश करो, उसका जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, मकान क्षतिग्रस्त हुए उनको रहने की व्यवस्था की जाए, ऐसा एसडीएम साहब ने सभी जिन गांवों में ऐसे बरसात का मकान टूटे थे सारे लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन की तरफ से ये माननीय एसडीएम साहब आदरणीय धरो साहब ने मतलब उनको लोगों को बोला है और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया कि इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।